देश का एक मात्र ऐसा मंदिर है जहां सोने की परत चढ़ाई जा रही है। हम बात कर रहे हैं कि शिमला जिले के रामपुर बुशहर स्थित सत्यनारायण मंदिर की। सत्यनारायण मंदिर की स्थापना लाला कपूरचंद नामक एक अमीर व्यापारी द्वारा की गई थी, जिसका आज संचालन विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जा रहा है। वहीं पुजारी ने बताया कि ये मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। इसका संचालन विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जाता है और यहाँ पर सुबह शाम मंदिर में पूजा अर्चना होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी भारद्वाज। इस दौरान हम जो है रामपुर बुशहर में स्थित एक मंदिर है जो सत्यनारायण मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। यहां पर जो है आजकल वर्क किया जा रहा है। ये जो वर्क है ये सोने की फॉइल को चढ़ाने का किया जा रहा है और यहां पर जो है अहमदाबाद से कारीगर पहुंचे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे जो ये कार्य किया जा रहा है ये किस तरह से उनके द्वारा किया जा रहा है। जी सर, ये हम अपनी गोल्ड की परत लगा रहे हैं इसमें। ये इस तरह से वर्क होती है सोने की, इसको हम इसका जो प्रोसेस होता है उसमें ये चिपकाते हैं इसको पूरे मंदिर में। इसका ये सोने का पर्द लग रहा है अंदर अंदर। तो इसके साथ साथ और भी क्या वर्क किया जा रहा है? इसके साथ हम पेंटिंग कर रहे हैं इस तरह की, ये सब पूरे मंदिर में बाहर भी है और कांच का काम हो रहा है। जैसे मतलब 100 साल पहले जैसा मंदिर था वैसा का वैसा अभी नया बन रहा है पूरा। यदि सर इसके पर्त चढ़ाने की बात की जाए तो आज तक आपने मतलब ये पर्त जो है हिमाचल में कहीं और भी करवाई है या पहली बार जो है यहाँ पर? हिमाचल का ये पहला मंदिर है जिसमें ये काम हो रहा है। तो ये अगर इसमें खर्चे की बात की जाए तो यहाँ पर जो कितना एक खर्चा जो है इसमें आने वाला है? ये खर्चा तो करोड़ों में जाएगा, अभी तो काम चल रहा है, ये तो करोड़ों में जाएगा। जो ये निकासी है सर ये किस तरह से की गई है हम यहाँ पर जो है दिखाना चाहेंगे। ये निकासी जो है बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। और ये कहाँ कहाँ जो है इस तरह की निकासी आपको जो है देखने को? ये तो हम पूरे भारत में काम करते हैं ऐसा। हाँ जी, गुजरात में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, सब हम ऐसे वैसे गुजरात के हैं, अहमदाबाद के, लेकिन काम हमारा पूरे भारत में। ये जो मंदिर है सत्यनारायण, हम जो है यहाँ पे इनके पुजारी के साथ मौजूद है और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ पर जो है किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है और इसके इतिहास के बारे में जो है थोड़ा सा हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम धन्यवाद आपके चैनल का। और जैसा कि सर्व विदित है कि यह जो मंदिर है जिला शिमला के रामपुर तहसील के अंदर मेन बाजार जो है जो रामपुर है इसके अंतर्गत है। और यह मंदिर जो है लगभग इसको जो है 1926 में ये जो है मंदिर बन चुका था और 2026 में इसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। और जो भी मंदिर मैंने जिस तरह से आप देख रहे हैं ये मंदिर इसी तरह से उस टाइम जैसे कहते थे कि यहाँ पर आने जाने का साधन कुछ भी नहीं था, तो ये जो मंदिर है अपने आप में उस समय का और इस समय अपने आप में एक प्रसिद्ध यहाँ के लिए जो है एक धरोहर के रूप में है। और ये जो मंदिर है यहाँ के एक लाला सेठ कपूरचंद जी जो है और उन्होंने जो है स्वर्गीय जी वीरभद्र जी है उनके पिताजी जो पद्म सिंह है जी थे उनके कार्यकाल में जो ये मंदिर जो है बनवाया था। और इस मंदिर में आप देख सकते हैं कि जो भी ये कार्य हुआ है उसी टाइम का 100 साल वर्ष लगभग जो है पुराना ये सब कार्य हुआ है। और हम तो इसमें जो है अभी पिछले कुछ सालों से ही कार्यरत हैं, लेकिन उससे पहले ये मंदिर जैसे 1998 से जो है इस मंदिर का जो संचालन है विश्व हिंदू परिषद करता है कर रहा है और लगभग जो है 25-26 साल जो है इसको विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत हो चुके हैं। मंदिर की जो रूपरेखा है प्रातःकाल जो है 5 बजे जो है मंदिर में जो है सर्वप्रथम मंदिर दर्शन हेतु जो है खुल जाता है और प्रातःकाल वैदिक आरती के साथ जो है मंदिर में पूजा होती है। उसके बाद प्रातःकाल की जो आरती है ये 7 बजे सुबह का है और मंदिर में 11:30 बजे का जो समय है ये भोग आरती का है। उसके बाद 1 बजे से और 3 बजे का समय जो है हमारे विश्राम का है। 3 बजे पुनः वैदिक आरती के साथ में और शाम को जैसे दिनमान के हिसाब से 6:30 बजे या 7 बजे 7:30 बजे तक जो है आरती का समय होता है। और सर्दियों के समय में शाम को 8 बजे जो है मंदिर में शयन आरती करके जो है कपाट बंद हो जाते हैं और गर्मियों के समय में रात्रि 9 बजे तक का जो है ये कार्यक्रम चलता है। सुबह फिर प्रातः 5 बजे से दिनचर्या शुभारंभ होती है। यहाँ पर जो है खास बात यह है कि इस मंदिर को जो है विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो है यहाँ पर पुजारी जी मौजूद थे जिन्होंने ये जानकारी दी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए।